ब्लैंक हो गई हूँ सच में। डॉक्टर सुरेंद्र, मैंने अभी अभी अपनी आंखों के सामने एक एस्केलेटरी रिवर्स एजिंग का केस देखा। देखिए डॉक्टर सुरेंद्र, आप ही हैं जो इसका क्योर जानते हैं, इसलिए हम आपके लैब में जल्द से जल्द पहुंच रहे हैं। प्लीज अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर। जयवंत, उर्मिला को छोड़कर बाकी दोनों केसेस यहाँ इसी सोसाइटी के हैं। और सर, शीबा भी इसी सोसाइटी में रहती है। अगर आपको याद हो तो उत्पल की मदर ने भी शीबा का ही नाम लिया था। एग्जैक्टली। इसका मतलब यह है कि या तो इस सब के पीछे शीबा का हाथ है, या फिर नेक्स्ट विक्टिम शीबा खुद। सोसाइटी का ऑफिस किधर है? वहां पर देखिए। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। एक्चुअली मुझे एक रूम किराए पे चाहिए था। तुम शादीशुदा हो? यहां पे बैचलर्स अलाउड नहीं है। सॉरी। सर यहां सोसाइटी में एक और केस हुआ है सर। आप सब यहां क्यों जमा हुए? जाइए अपना काम कीजिए और हमें भी करने दीजिए। यहां खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ। अरे ये जो बोला आपको सुनाई नहीं दिया? अपना काम कीजिए। अरे जाइए यहां से। जाइए। जैसा मेरी बेटी का वैसा ही हादसा यहां पर हुआ है सर। देखिए भाई सर, एक मिनट पीछे हटिए, पीछे कहां पर है वो लोग? सर सर वो उस तरफ है। जाओ ना यार। अरे जाओ ना, अपना काम करो यहां से। जाइए जाइए जाओ। अरे कौन है आप लोग? इन दोनों को लैब में ले चलो। कौन है आप लोग? नहीं हमारे साथ आप। नहीं नहीं, नहीं। हम कहीं नहीं जाएंगे। छोड़िए क्या करो? छोड़िए। अरे प्लीज आप हमारे काम नहीं करें। छोड़िए। नहीं करने के लिए कहीं नहीं जाएंगे। क्या करो? छोड़ो मत कीजिए। छोड़ो। छोड़िए। छोड़ो। रुको रुको रुको। छोड़ो मुझे। जी मेरी बात। अबे अंकल होगा तेरा बाप, मिस्टेक कर रहा है बोल रहा हूँ। बालराज जी प्लीज शांत रहिए, यहाँ पर हम आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं। छोड़ो। बाबा चुप रहो। जयवंत जिंदा मत होगे तो ना। छोड़ो छोड़ो। ओह गॉड। डॉक्टर एक बार बताइए, ये दोनों बच तो जाएंगे ना? फिलहाल हाँ, इस इंजेक्शन से तो इनका रिवर्स एजिंग प्रोसेस तो रुक गया है, लेकिन ये पूरा इलाज नहीं है। What? सर ऐसी घिनौनी हरकत कर कौन सकता? कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइम ये है जयवंत कि ये क्यों कर रहा है? ये इमीडिएट और फास्ट एज रिवर्सल है, और इसे रोकना किसी भी दवा की बस की बात नहीं है, क्योंकि एक मिनट डॉक्टर, इसका मतलब क्या है? ये देखिए, पूरे बॉडी के सेल्स एक साथ रिवर्स में जा रहे हैं। इसे सिर्फ एक मशीन ही ठीक कर सकती है जो एक साथ सारे सेल्स पर काम कर सके। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद मैंने ऐसा कुछ देखा है। बहुत टाइम के बाद मतलब? आप पहले भी ये सब कुछ देख चुके हैं? देखा नहीं, पढ़ा था। एक्चुअली उत्तराखंड बेल्ट का एक डॉक्टर था जो किसी बड़े कॉस्मेटिक कंपनी में हेड था। हाँ। उसने करीब करीब ऐसी कुछ चीज बनाई थी और एक दिन अचानक वो गायब हो गया, और उसके बाद उस चीज का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। डॉक्टर उसका नाम क्या था? भला मैं कैसे बता सकता हूँ? अब सवाल ये होना चाहिए, इसे रोके कैसे? जयवंत, इंसान ऐसा तभी करता है जब वो कुछ साबित करना चाहता है, और जहां साबित हुआ सबूत वहीं होता है। देखने वाली बात यह है कि यह सबूत जोगी की आंखों से कब तक बच पाता है।
आप यहाँ पे नए आए हैं? नहीं नहीं, आपका नाम? जी मैं मेघना, मैं यहाँ अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ। ओह नाइस, क्या मैं आपके साथ थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? श्योर, सिट सिट। वैसे आपके दोस्त नहीं दिख रहे, कहाँ है वो? अरे दोस्त है ना, लेकिन वो अभी ना पार्टी करने गए हैं। शीबा और नेहा ना पार्टी के लिए बहुत पागल हैं। शीबा आपकी दोस्त है? हाँ जी, क्यों आप उसे जानते हो? नहीं नहीं नहीं, तो एक्चुअली मैं भी बहुत बोर हो रहा था यहाँ पर, पार्टी करने का मन कर रहा है। हो ये बात है, तो आप यहाँ बैठे क्यों हैं? चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ। कहाँ चली गई? तो वही गाड़ी है जिसमें वो लोग जोगी को लेकर निकले थे। जयवंत, हो ना हो वो लोग जोगी को यहाँ इस घर के अंदर लेकर गए हैं। कम ऑन, लेट्स गो एंड चेक। जयवंत, यहाँ पर कोई नहीं है, तुम एक काम करो, तुम वहां चेक करो, मैं इधर देखता हूँ। कोई बच्चा बना दिया। <laughs>
अकेले तोड़ दोगे क्या? थोड़ा विज्ञान का चमत्कार तुम दोनों भी देख लो। ओ, तो तुम वही साइंटिस्ट हो जिसकी इन्वेंशन की वजह से उसे तड़ित पार कर दिया गया था। मैं ही हूँ वो साइंटिस्ट। निकेतन का वॉचमैन अब समझ में आया। जयवंत निकालो इसका मास्क। इस लोमड़ी और खरगोश के पीछे भी तो देखो ये कौन छुपा है। पापा शिवा और मेघना की दोस्त हो ना? नहीं नहीं नहीं, मैं किसी की दोस्त नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने पापा की बेटी हूँ। वो मेरी बेटी है और ये मेरी भाई वो सुधा और ये मेरा बेटा है। ए जशाप, तुम्हें क्या लगा कि तुमने मुझे हरा दिया? मुझे कोई हरा नहीं सकता। कैसे पढ़ा है तुम्हारा इतना सा होके? एक बात तो मैं जानता हूं रमन, कि तुमने इस चीज का तोड़ जरूर बनाया होगा। कम ऑन, पहले हमारे ऑफिसर जोगी को ठीक करो। कम ऑन, डू इट। है मेरे पास है वो फॉर्मूला, पर मैं कभी ठीक नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा ठीक। नहीं किया ना तो मैं गाली कर दूंगा। जयवंत, क्लोज द डोर। छोड़ दो मेरी बच्चे। बचाओ मुझे। Nobody will move। कोई भी आगे पड़ेगा तो मैं गोली मार दूंगा। जयवंत, जा, मशीन ऑन करो। मेरे सिवा कोई नहीं जानता ये मशीन कैसे ऑन होती है। अब तक तुम दुनिया के लोगों को बड़े से छोटा बनाते थे तो ठीक था, आज जब तुम्हारी बेटी पर ये सब हो रहा है तो रोना आ रहा है। देख लो अपनी बच्ची को रमन, क्योंकि कुछ ही देर में मरने वाली है। आज तक तुमने दुनिया के साथ ये खेल खेला है ना, आज हमने यही खेल तुम्हारे साथ खेल लिया। यमन, डिस्ट्रॉय दिस। रुक जाओ, मशीन मत डिस्ट्रॉय करो, मशीन मत डिस्ट्रॉय करो, अपनी बच्ची को बड़ी नहीं कर पाऊंगा। ठीक करो, कमान, मैं करता हूँ, सब कुछ ठीक करता हूँ। पहले तुम्हारी बेटी नहीं, पहले हमारा ऑफिसर जोगी ठीक होगा, उसके बाद नेहा।
छोगी? छोगी कौन छोगी? छोगी कैनन कैनन ओके छोगी छोगी तुम ठीक हो? सर सर ये तो उसी सोसाइटी का वॉचमैन है। जोगी ये वॉचमैन नहीं है, ये साइंटिस्ट है और ये सब इसी का किया धरा है। बोलो शांति निकेतन सोसाइटी के लोगों के साथ तुमने सब कुछ क्यों किया? किस बात का बदला ले रहे थे तुम? बदला नहीं, मैं उन्हें सजा देना चाहता था। सजा? तुम होते कौन हो सजा देने वाले? उन सोसाइटी के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्योंकि इन लोगों की वजह से मेरी बड़ी बेटी शीला मुझसे हमेशा के लिए छीन ली गई थी। मतलब? शीला इसी सोसाइटी में रहती थी, कई सालों तक उसे कोई संतान नहीं हुई। इस वजह से उसके ससुराल वाले उसे पीटते थे, पूरी तरह मारते थे। मेरे इस इन्वेंशन के रिजल्ट्स फेल हो गए, इस वजह से कुछ लोग मारे गए और मुझे जेल हो गई। तब उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। सोसाइटी वालों ने भी बहुत सताया उसे, उसने आत्महत्या कर ली। और जब मैं जेल से बाहर आ गया तब मैंने ठान लिया कि जो मशीन मैंने इंसान की तरक्की के लिए बनाई थी उसे मैंने दोबारा बना लिया। सोसाइटी के सभी बड़े लोगों को बच्चा बनाने के लिए, ससुराल वालों को बच्चा बनाने के लिए, हर किसी को बच्चा बनाने के लिए। बच्चा तो तुम तब बनाओगे जब तुम्हारी ये मशीन रहेगी। इस मशीन को हम आज ही डिस्ट्रॉय करेंगे। दमन, माना कि तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जो तुम कर रहे हो ये बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। तुम सब खूनी हो। जयवंत, जोगी, सर, अरेस्ट ऑल ऑफ देम।